आज हम अपनी बाइक यहाँ पे बेचने नहीं आए थे। से आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे जीएस फिल्म्स का लोगो होगा, ये भी ऑफ रोड के लिए है। पता था मुझे, पता था आज ये ना ज्यादा ही अच्छा चलेगी। मैंने अभी घर पे फोन किया था, वाइफ को बोला कि मैंने ना बाइक बेच दी, गाली थी, लिटरली गाली थी कि तुम जैसा। चलो जी, मुबारकें जी, बहुत बहुत मुबारकें आपको भी। आपको भी सर जी बहुत बहुत मुबारकें, आपको भी बहुत बहुत मुबारकें। थैंक यू। अभी इनको समझ नहीं आ रहा किस चीज़ की मुबारक दे रहे हैं। धीरे धीरे आता है। सो दोस्तों, आई हैव सोल्ड वन बाइक एंड ऑलरेडी बुक्ड वन, तो इसके बारे में जल्दी आपको पता लग जाएगा। बट आपको लग रहा है कि मैंने ये खरीदी है, तो ये आंसर यहाँ पे गलत है। सही जवाब बहुत जल्दी मिल जाएगा, मेरा ट्रेवल चालू है। मतलब जब आप ये वीडियो कल देख रहे हो तो मैं ऑलरेडी किसी और सिटी में होऊंगा और किसी और बाइक की डिलीवरी ले लूंगा, ये पक्की बात है। इसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, आईडी अभी स्क्रीन पे आ रहा है। बट फिलहाल मैंने जोन सी बाइक बेची है आप लोगों को, थोड़ा सा हिंट ऑलरेडी था, अभी हमारी डील डन हो गई है, बाइक ये उठाने शाम में आएंगे। एंड दैट इज, बता दें, सरप्राइज रखें वीडियो एंड होने तक। डन। आज एक बाइक बेच दी है, थोड़ा वीडियो जब खत्म होगा, जब ये बाइक ऑफिस से लेके जाएंगे तब आपको पता लग जाएगा। बट जी हाँ, अभी हम 5 से 4 हो गए हैं, और 4 से सच बोलो तो 3 ही है, क्योंकि जो चौथी बाइक है हमारी, जो सिंड्रेला है, वो ध्रुव वहाँ पे है, पाजी के पास। उनके पास जब जाते हैं, पता क्या बोलते हैं, एक हफ्ता लगेगा। अगले हफ्ते पूछो कितना टाइम लगेगा, कहते हैं एक हफ्ता। और सच्ची में बाइक देने का नाम नहीं ले रहे। मैंने उनको बोल दिया कि क्लियर क्लच भी आ चुका है, अब हमें मॉडिफिकेशंस कंप्लीट करनी है, तो बाइक वापस दे दो। मे बी टुडे और टुमारो हर्ष विल गो एंड पिक द मोटरसाइकिल, बट एज ऑफ नाउ बुरा भी लग रहा है बट अच्छा भी लग रहा है। जिसने जाना था वो जाना था, जो नया आना था वो आना था। आनी है, वो भी तो आनी है। वंस अगेन मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एंड जेन्युइनली दोस्तों, आपको वीडियो खत्म होने से पहले पता लग जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर से देखना। फिलहाल नकुल भाई और मैं निकल रहे हैं यहाँ से एक स्पेशल व्हीकल में, तो उसके बारे में भी आपको बताते हैं। वैसे सच बोलूं, मतलब देखो, आज हम अपनी बाइक यहाँ पे बेचने नहीं आए थे, ना खरीदने आए थे, हम आए थे यहाँ पे एक 10R की डिलीवरी लेने के लिए, जो आपने इससे पहले वाले ब्लॉग में देख लिया था। बट लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल एंड आई एम ऑल्सो वेरी अनप्रिडिक्टेबल। ये सरप्राइज हो गया आज है काफी भाई, यहाँ बैठे हैं, प्लान बन गया यार, इधर आए हैं, एक बार रेट लगवाते हैं। रेट लग गया, मैंने कहा दे दी, इन्होंने एक चीज़ दिखाई वो मुझे समझ आ गई, मैंने कहा अब ये मुझे दे दो। सो दैट इज़ अ सीन। फिलहाल जो गाड़ी है जिसमें हम लोग अभी घूम रहे हैं, वो हमारे पीछे खड़ी है। दिस इज द वी क्रॉस इसुजु, और ये अपना डी मैक्स, पूरा कंप्लीट नाम है इसका, डी मैक्स इसुजु वी क्रॉस डी मैक्स। यस, तो इसको अभी मैं चला रहा हूँ, चलाते हुए आपको ओवरव्यू बताऊंगा, बट दिस इज समथिंग रिलेटेड टू माय फ्यूचर और आवर फ्यूचर। वैसे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इसके अंदर में बैठ के, एंड मुझे ऐसा लगता है कि पीछे भी 3 बंदे बैठ सकते हैं, उसके बाद 2 छोटी बाइक लोड हो सकती हैं और एक बड़ी भी आराम से हो सकती है। हो सकती है एक बड़ी, एंड थोड़ी सी मेहनत करें डिजाइन करने में तो एक बड़ी और एक छोटी भी हो जाती है। अभी आपको थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है कि हम देखो ना घर वाले बदल सकते हैं ना बीवी, बट बाइक्स बदल के कुछ और कर सकते हैं जिंदगी में एक्सपेरिमेंट। तो ये गाड़ी मैं लेने की सोच रहा हूँ, मतलब इसी टाइप की। अब मुझे पता है इस टाइम पे टोयोटा का जो हिलेक्स है, हाइलेक्स बोलते हैं, वो ट्रक लॉन्च हो चुका है, बट आई एम नॉट विलिंग टू गो फॉर अ ब्रांड न्यू वन। बट जी हाँ, आई कैन बाय अ इसुजु, और ये वैसे अभी मैनुअल है, बट अगर मेरे को ऑटोमेटिक मिल जाए तो बल्ले बल्ले। देखो भाई, सो फार 10 मिनट चलाने के बाद में समझ आ रही है कि है तो ये प्रॉपर वाला ट्रक है ना। दिस इज नॉट अ कार, दिस इज अ ट्रक फॉर श्योर, क्योंकि इसका टर्निंग रेडियस काफी बड़ा है, जो हैंडल है काफी भारी फील होता है, बट ये भी फील होता है कि बहुत रगेड है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। पावर इसके अंदर में है, बहुत ज्यादा पावर, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अपने को चाहिए, देखो लेने को हम थार भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे ना बाइक खड़ी हो जाती है। एंड मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं, तो नकुल भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, मतलब हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे एक ओवरव्यू। अच्छा जी, ये खुल गया, ये रैंप निकलेगा। ओके, ये रैंप के लिए यहाँ पे हमने कट लगाए हुए हैं। अच्छा, ये रैंप का मुंह है। अच्छा, ये इन कट में फंस जाता है। ओके, रैंप यहाँ से नीचे आ जाता है। ओके, आप अपनी बाइक राइड करके आराम से ऊपर ले जाते हो। ओके, फ्रंट टायर अंदर लॉक हो जाता है, पर अगर आपको मल्टीपल लगानी है तो वो दिखेंगी इसके ट्रक में, मेरे ट्रक में है ना। इसमें तो एक ही बाइक का ऑप्शन है, बट हम बनाएंगे तो 2 ट्रक में, मतलब एक बाइक पे 2 ट्रक लोड करने का, ट्रक ट्रक बोली जा रहा हूँ, एक ट्रक में 2 बाइक लोड करेंगे, एक ट्रक में 2 बाइक लोड करने का ऑप्शन बनेगा। नहीं तो मेरे को याद है टूल बॉक्स, अगर बाइक में कुछ हो जाए तो। बहुत ही सुंदर यहाँ पे अलॉयज लगे हुए हैं, एंड व्हील्स भी जो है ये भी ऑफ रोड के लिए है, बहुत ही बड़े बड़े हैं। एंड यहाँ ऑब्वियसली जिनकी ये गाड़ी है, डुगाती का लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे गोप्रो का माउंट लगा हुआ है, तो हम भी अगर ऐसी चीज कभी लेंगे तो उस पर जगह जगह माउंट होंगे, ताकि मल्टीपल एंगल से हम लोग रिकॉर्ड कर सके। और कुछ ब्रांडिंग भी होगी? यस, ब्रांडिंग तो होगी होगी। वो ब्रांडिंग
ट्रक पे दिखेगी और किसकी हमारे अन्नदाता की हमारी होगी आगे यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ पे जीएस फिल्म्स का लोगो होगा बट पीछे में हमारे स्पॉन्सर्स भी हो सकते हैं जिनसे हमें थोड़ी सी फंडिंग मिलेगी और हम ये अपनी इच्छा पूरी कर पाएंगे क्योंकि अन्नदाता की जय हो जय हो जय हो। मेटल ये फुली कस्टमाइज ओरिजिनल बम्पर से मिलता हुआ एक एक पॉइंट साथ मिला हुआ ये देखो जेन्युइनली मेरे को भी लगा था ये प्लास्टिक होगा बट दिस इज मेटल ये बनवाया गया है। ये मेरा फ्रेंड है आरएस कस्टम्स अच्छा उसकी स्पेशलाइजेशन तो हम आरएस कस्टम की भी प्रमोशन कर देंगे इसी बहाने वो हमारी गाड़ी में ये डाल देंगे। थैंक यू वेरी मच। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ज्यादा नहीं चला पाए हमने एक बाइक की डील कर दी इन बिटवीन मैं गया था यहाँ पे क्रूजर प्लेनेट जी, सो आई सोल्ड वन मोटरसाइकिल उसके बाद बस आगे लेफ्ट लिया रोकी गाड़ी डेमोंस्ट्रेट किया कि कैसे बाइक यहाँ खड़ी होती है एंड ऑफ रोड में किसी दिन चलाएंगे आपके साथ लंबी है बट अभी के लिए बहुत अच्छा एसी काम कर रहा है आपने 70,000 प्लस चलाई हुई है गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है आई लाइक इट एंड दिस इज द फ्यूचर इवन आई वांट टू गेट इट नाइस नाइस थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एक्सपीरियंस। मेहनत करनी पड़ेगी पसीना खून सब लगाना पड़ेगा सिर्फ वो फीचर तब मिलता है इस गाड़ी में। क्या है वो ऐसा फीचर? ये स्टिकर। ओह भाई साहब ये विनोबा अब ये ग्रुप आई एम श्योर इन दोनों का इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है। चलो जी चंगा 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 मिलते हैं वीर जी। ओके सो ऐसा है दोस्तों हम दोबारा से इधर को आए जहाँ पे अभी हमने बाइक बेची है क्योंकि नकुल भाई की बाइक यहाँ खड़ी थी सामने में एंड सीरियसली फीलिंग रियल बैड। मतलब मैंने अभी घर पे फोन किया था वाइफ को बोला कि मैंने ना बाइक बेच दी। सच्ची बोलूँ क्या पता लगा क्या पता क्या मतलब क्या बोला उसने गाली दी लिटरली गाली दी कि तुम जैसा वो नहीं है समझ रहे हो आप। सच्ची यार मतलब मैं ना कभी कभी प्राउड फील करता हूँ कि जैसा मैं हूँ और कभी कभी मैं डाउट में आ जाता हूँ अपने डिसीजंस को लेके बट ठीक है मतलब मैं तो ये कह के अपने मन को मना लेता हूँ कि भाई वन लाइफ है ना तो समथिंग ऑन दैट नोट बाकी अभी ऑफिस चलते हैं हर्ष को भी बताते हैं और उसके बाद में उस बाइक पे लास्ट राइड भी करते हैं और उसका सामान भी निकालते हैं जो हमें साथ में देना है। लेट मी टेल यू अभी कुछ ऐसी चीज हुई है जो आने वाली आगे की हमारी जिंदगी डिफाइन करने वाली है। आई सोल्ड वन बाइक एंड दैट इज भूसा। इनको मैंने अभी तक नहीं बताया था हमें नहीं बताया। आई सोल्ड द भूसा टुडे द न्यू जनरेशन बट नॉट द ओल्ड वन क्योंकि ये रहेगी हमारे साथ फॉर एवर ये रहेगी अगले दो साल और फिर बेच के कुछ नया ले लेंगे। नीलिमा फॉर एवर बट टुडे मैं अभी डील कर गया हूँ तुम्हारे जाने के बाद। हाँ मुझे तो पता नहीं था मुझे लगा था पहले ये चलाऊंगा फिर ये चलाऊंगा। ओह इसको तो चलाने का मौका भी नहीं मिला। खैर फिलहाल दिस इज ट्रू सैड स्टोरी दैट आई सोल्ड। सो गाइस Something is cooking, कुछ इनको पता है गाड़ी दिखा दी मैंने Isuzu दिखा भी दी बता भी दी है थोड़े से फीचर बता दिए। फ्यूचर इज वी वॉन्ट टू हैव अ कार लाइक दैट इन द JS फैमिली सो दैट हम लोग इकट्ठे गाड़ी में ट्रेवल करें और ये लोग चलते हुए बी रोल्स भी लें उसी में हमारे कैंपिंग का सामान हो उसी पे हमारी एक या दो बाइक्स भी लोड हो जाए ऐसी हमारी इच्छा है। बट अच्छी गाड़ी ढूंढने में आप भी हमारी हेल्प कर सकते हो अगर किसी के पास बहुत साफ कंडीशन में Isuzu है तो भाई हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो है ना भाई। ईमेल आईडी आपको पता है। हाँ जी और जाने से पहले मेरे को इसमें से कुछ कुछ सामान उतारना पड़ेगा क्योंकि मैंने ये बेची है स्टॉक करके मतलब एग्जॉस्ट मैं साथ में नहीं बेच रहा हूँ तो अगर आप में से किसी को ये एग्जॉस्ट भी चाहिए तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। झूठ नहीं बोलूंगा इस आवाज को इस बाइक को मैं तो मिस करने वाला हूँ। जैसे कोई नई चीज आती है ना घर में तो बड़ी खुशी होती है बट जब कोई चीज जाती है ना तो दुख भी उतना ही होता है बट दिल को मनाना पड़ता है कि यार कुछ चीजें जाने के लिए आती है हमारी जिंदगी में तो ये जाने के लिए आई थी इसको जाने देंगे। गॉन टू सून सही बोला लड़का। पता था मुझे
पता था आज ये ना ज्यादा ही अच्छा चलेगी। इसको भी पता लग गया ना मैं इसको बेच रहा हूँ, तो इसीलिए ना मेरे पे दोबारा से अपना अच्छा इम्प्रेशन जमा रही है कि मैं इसको ना बेचूं। बट सॉरी माय डियर, छोटा सा रिलेशन आज ख़त्म हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। यू आर गोइंग इतनी जल्दी, गॉन टू सून, बट एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि जो मैं तेरे को बेच के करने वाला हूँ ना, वो आगे हमारे लिए पर्सनली, हमारे चैनल के लिए अच्छा होगा। बाइक दोबारा आ जाएगी, ये बाइक तो मिलती है ना मार्केट में, दोबारा आ जाएगी। अब हमारी नीलिमा तो नहीं मिलती इसलिए उसको बेच नहीं सकते, H2 नहीं मिलती उसको बेच नहीं सकते, GSA भी लिमिटेड एडिशन है, बट ये जो V4S है और ये जो भूसा है ये तो दोबारा खरीदी जा सकती है ना। देखो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मकान से दुकान नहीं बनती, दुकान से मकान बनता है ना। तो मैंने आज जो डिसीजन लिया ना दोस्तों, मुझे लगता है समहाउ आउटकम इसका अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो बाइक्स और भी आ रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मैंने एक बुक करी थी पहले, दो दिन पहले, जो ब्रांड न्यू है। एक मैंने आज बुक कर दी जब मैंने इसकी डील करी है, तो वो सेकेंड हैंड है। बट सीन ये है, इसको बेच के जो पैसा आ रहा है ना, उसमें से मैक्सिमम अमाउंट डाल रहा हूँ मैं एक गाड़ी लेने के लिए, और उसके बाद थोड़े पैसे बच रहे हैं और थोड़े पैसे जो मेरे PMC से निकले हैं उसको मैं री इन्वेस्ट कर रहा हूँ एक और प्री ओन्ड बाइक के अंदर में। एंड दैट विल बी डिफरेंट, दैट विल बी नॉट अ सुपर बाइक, मतलब इस टाइप का इनलाइन 4 नहीं है वो पक्की बात है, बट समथिंग डिफरेंट जो मैंने कभी ऑन नहीं किया। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे एक्साइटेड। मुझे पता है मेरी तरह आप लोगों को भी बुरा लगेगा, बट मैं इतना बता दूं कि दोस्तों मे बी, जहाँ तक मुझे लगता है और अपने पे विश्वास है, ये वाला डिसीजन मेरा जो है ना, ये पॉजिटिव रहेगा हमारे सबके लिए, हमारी GS फैमिली के लिए, मेरी टीम के लिए, मेरे खुद के लिए। एंड लेट्स होप, मतलब जो आगे होगा अच्छा होगा, नहीं तो इसकी ज़्यादा याद आई, जैसे मुझे परी की आती है, टेनार की आती है, तो भगवान ने चाहा तो दोबारा खरीद लेंगे, है ना। क्योंकि मैं बहुत आशावादी इंसान हूँ, बहुत पॉजिटिव रहता हूँ, तो मेरे को होप रहती है। मैं ना तो जल्दी करता ही नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, कर सकते हैं। सो समथिंग लाइक दैट। So this was one last motor vlog on this Bosa, the black one. भाई क्या नाम रखा था हमने इसका? बगीरा। एंड हर्ष को मैंने एक काम दिया था, इसने कर दिया है। दैट इज, ये जो इसके स्टॉक साइलेंसर्स है ना, एग्जॉस्ट जो है वो यहाँ पड़े हैं, तो ये हम साथ में दे रहे हैं और वो वाला उतरवा के अपने पास में रख रहे हैं। बड़े हैवी हार्ट से मुझे ये स्टिकर यहाँ से हटाना पड़ रहा है। GS Films। एथे जाएगा है, एथे। एनीवेज दोस्तों, अभी मतलब देखो 7:30 हो गए हैं, सैटरडे 9 अप्रैल। दिन अपना काफ़ी लंबा गया और बहुत ही रोमांचक था, मतलब अनप्लान डिसीजंस लिए गए आज, एंड आई होप फॉर द बेस्ट। फिलहाल अब मैं कर रहा हूँ पैकिंग, ये वाला हेलमेट लेके, नई वाली जैकेट लेके मैं सुबह ट्रेवल करने वाला हूँ। अगले ब्लॉग में आपको पता लगेगा मैं कहाँ जा रहा हूँ और कौन सी बाइक की डिलीवरी ले रहा हूँ, और इंस्टा पे फॉलो कर लो तो अभी के अभी पता लग जाएगा। एंड मेरी कोशिश थी कि आज अगर मैं टाइम से फ्री होता, बट नहीं हुआ, ऑब्वियसली कुछ नया करने को मिल गया था। तो मेरा प्रोग्राम था कि आज मैं जाता दिलजीत बाजी के पास में, और ये जो टूट गया क्या CNC कवर है ना, इसको मैं लगवाता अपनी बाइक के अंदर में, मतलब अपनी सिंड्रेला के अंदर में। सो ट्रांसपेरेंट सा कवर रहता, मजा आता, आपको भी आर पार दिखता जब अंदर का मैकेनिज्म ऐसे गोल गोल घूमता। बट ठीक है, आने के बाद, क्योंकि मैं जा रहा हूँ 3 दिन के लिए कम से कम दिल्ली से बाहर, वेकेशन चालू, तो 3 दिन बाद जब मैं दोबारा से आऊँगा, कोशिश करेंगे तब इसको करवाएंगे इंस्टॉल। फिलहाल आज के वीडियो में दुख भरे और खुशी वाले, सुख भरे डिसाइड आपको करना है कि आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना मेरा डिसीजन आपको कैसा लगा। फिलहाल करेंगे वीडियो यहीं पे क्लोज। मेहनत मेरी, रहमत उसकी, प्यार आप सभी का। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। साइनिंग ऑफ जीसन विद काली भूसा। बाय बाय। आखिरी बार देख रहे हो फ्रेम में। Oh, 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 o